21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी में तुलबा पुरमन तरीके से अपनी जुबान का हक मांग रहे थे, मगर रियासत ने पुरमन एहतजाज करने वाले अपने ही शहरियों पर गोलियां चला दी। ये वो जुबान थी जिसमें रियासत ने अपने शहरियों से बात की और फिर शहरियों ने भी यही जुबान सीख ली, जिसका मुजाहरा इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हमने मुख्तलिफ शहरों में देखा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान में हमेशा मुजाहरों में जलाओ घिराओ और सरकारी इमलाक तक को नुकसान पहुँचाने के वाकयात पेश आते हैं। तो आइए दोस्तों आपको मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहरे के हवाले से कुछ अहम हकायक बताते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में होलनाक मनाजर देखने में आए, लेकिन ये पहली बार हुआ कि लोगों ने अस्करी इमलाक को भी निशाना बनाया और कई सरकारी इमारतों और तनसीबात को भी नुकसान पहुँचाया। इस हवाले से तहकीकदान कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट में रियासत शहरियों को बेहतर मेयार जिंदगी देती है, जिसके जवाब में लोग रियासत और उसके इदारों का न सिर्फ एहतराम करते हैं बल्कि उनकी हिफाजत भी करते हैं, और वो समझते हैं कि ये इदारे हमारी आसान और खुशगवार जिंदगी की जमानत है, जबकि पाकिस्तान में इसके बरक्स है। पाकिस्तान वेलफेयर स्टेट नहीं बन सका, जिसकी वजह से लोग सरकारी इदारों को अपनी मुश्किल का सबब समझते हैं और मौका मिलते ही इन पर टूट पड़ते हैं। कुछ माहरीन का मानना है कि तशद्दुद की इब्तिदा खुद रियासत ने की, जिसका खमियाजा आज भी भुगतना पड़ रहा है। मुसन्फीन का कहना है कि तशद्दुद का रास्ता खुद रियासत ने अवाम को दिखाया, जब अपनी जुबान का हक मांगने वाले ढाका यूनिवर्सिटी के तलबा पर गोलियां चलाई गई, तो उसके बाद मुल्क में आग और खून का ना खत्म होने वाला एक खेल शुरू हुआ। रियासत और अवाम के दरमियान खलीज वसी होती गई, यहाँ तक कि अवाम रियासत और रियासती इमलाक को अपना नहीं समझते, इसलिए जब मौका मिले सरकारी इमलाक को आग लगाने से भी नहीं हिचकिचाते। ये राय भी है कि मुख्तलिफ शहरों के लोगों की नफसियात मुख्तलिफ होती है। छोटे शहरों के लोगों में रियासत का खौफ ज्यादा होता है, जबकि बड़े शहरों के लोग खुद को कानून से बरतर समझते हैं। मुजाहरों में सरकारी इमलाक जलाने के हवाले से ये भी समझा जाता है कि हर शख्स ये मानता है कि हजूम में अगर कोई वाकया हो तो फर्द वायद इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जिसकी वजह से लोग मुजाहरों के दौरान दीदा दलेरी से जलाओ घिराव करते हैं। यहाँ रियासत की जिम्मेदारी और किरदार नहायत अहम है। जब तक रियासत अपने लोगों की जिम्मेदारी नहीं लेगी, लोगों में भी जिम्मेदारी का एहसास पैदा नहीं होगा। जब तक रियासत अपने लोगों की बका की जामिन नहीं बनेगी, तब तक लोग भी रियासत से बेगाने रहेंगे। इसलिए जरूरत इस बात की है कि रियासत वाकई माँ का किरदार अदा करे और अवाम के दुख दर्द का एहसास करे और उनके मसाइल को हल करे, ताकि अवाम का एतमाद बहाल हो और वो रियासत को नुकसान पहुँचाने के बजाय रियासत के दस्तों बाजू बनकर तामीर तरक्की में साथ खड़े हों। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।